नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं नवरात्रे और इस नवरात्रे पर मैं लेकर आई हूँ एक और यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। तो इस नवरात्रे हम बनाते हैं किरण की रसोई से व्रत वाले मज़ेदार सैंडविच। अंदर से है सॉफ्ट, ये बन गए हमारे व्रत वाले सैंडविचेस। सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा कप साबूदाना और आधा कप सामक के चावल ले रही हूँ और इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये देखिए साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसमें थोड़ा सा पानी है। पानी ड्रेन करके हम आधी आधी चीज़ों को, दोनों को आधा आधा लेंगे। जितने आपको बनाने हो सैंडविच उस हिसाब से आप ले लीजिएगा और अच्छे सारे सैंडविच बन जाते हैं इतने से साबूदाना और सामक के चावल में। 3 से 4 लोग आराम से सुबह का ब्रेकफास्ट नवरात्रि में कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा ही लिया है, आधा पोर्शन रख दिया है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि फूलने से ये डबल हो जाता है। और इसे हम अच्छे तरह मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। और इसी के साथ मैं इसके अंदर कुछ अदरक का टुकड़ा और 1-2 हरी मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी जो सैंडविचेस हैं थोड़े से चटपटे बने। और नमक आप व्रत वाला यूज़ करते हैं तो व्रत वाला कीजिएगा, जो भी नमक आप यूज़ करते हैं, मिर्च नहीं खाते तो मत कीजिएगा। और ये मैंने डाल दिया आलू, 2 आलू लेके उसे कद्दूकस किया हुआ और उसका पानी नहीं निचोड़ा है, इसी के अंदर है इसका पानी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये थोड़ा सा जीरा भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और नमक मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। नमक हल्का ही मसाले और हल्के ही होते हैं व्रत के खाने में, तो मैं बिल्कुल हल्के हल्के मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छा सा एक घोल बन गया। आप चाहें तो इसके तवे पे चिल्ले बना सकते हैं, पर हम लोग इसका बना रहे हैं सैंडविच, तो सैंडविच भी बहुत अच्छा बनता है, इसके चीले भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट आपका बनकर तैयार होगा व्रत के लिए। 9 दिन के व्रत हैं, अलग अलग हमें ऑप्शन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ देसी गैस पर जो हम सैंडविच बनाते हैं ना, वो जो देसी वाला सैंडविच मेकर ले रही हूँ, और ये लिया मैंने। और इसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल लगाया और जो बैटर है, सैंडविच का बैटर है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से इसे चारों कोनों से हम फिल कर देंगे और ऑयल अच्छी तरह से ग्रीस कर लें दोनों साइड, इसकी दोनों साइड ग्रीस कर लें। और याद रखें, जो इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर पे अगर आप बनाएंगे तो उस पर ये सही नहीं बनेंगे, तो आपको ये गैस वाले सैंडविच मेकर पर ही बनाना पड़ेगा। अब ये जब हल्का सा सेट हो जाए तो हम ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर स्लो फ्लेम पर, याद रखिएगा स्लो फ्लेम पर हमने पकाना है। तो आप खोल के देखेंगे बीच में तो ये देखिए फूल गया है और सैंडविच की शेप आ गई है इसकी। ऊपर से हल्का सा ऑयल में और लगा रही हूँ और स्लो फ्लेम पर इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेकने के बाद तैयार है कुरकुरा मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट व्रत का मज़ेदार सैंडविच। आप इस सैंडविच को दही और या हरी मिर्च और हरे धनिये की चटनी के साथ परोस सकते हैं। और ये देखिए अंदर से कितना अच्छा पका हुआ है और सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी लगा है और सिंपल सी रेसिपी है। तो इस नवरात्रि ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए और सभी को खिलाइए व्रत वाले सैंडविच। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।